कैलाश पर श्री हरि विष्णु लक्ष्मी ब्रह्मा व सरस्वती पहुंचते हैं और शिव के श्रृंगार की चर्चा करते हैं। श्री हरि विष्णु नारद को हिमालय राज के यहाँ बारात के स्वागत हेतु भेजते हैं। आकाश मार्ग से होते हुए बारात हिमालय भवन पहुंचती है। नंदी पर बैठे भभूतधारी शिव और भूत पिशाचों को देखकर मैना रानी बेसुध हो जाती है और शिव पार्वती विवाह की स्वीकृति नहीं देती। नारद श्री हरि विष्णु व पार्वती के समझाने पर मैना शंकाहीन होकर भोलेनाथ के मनोहारी रूप के दर्शन कर अति प्रसन्न होती है। कन्यादान के समय गुरु गर्ग द्वारा शिव के कुल गोत्र आदि पूछने पर नारद उत्तेजित होकर कहते हैं कि जगत पिता का कुल और गोत्र श्रेष्ठ ही होता है। तदुपरांत हिमालय राज कन्यादान करते हैं। पुष्प वर्षा के साथ भोलेनाथ और देवी पार्वती का विवाह संपन्न होता है। देवगण और सभी उपस्थित अतिथि हर्षोल्लास में मग्न शिव पार्वती की जय जयकार करते हैं। और उधर विवाह की सूचना प्राप्त होने पर तारकासुर भयभीत व क्रोधित हो उठता है। ये क्यों हुआ? कैसे हुआ? किसने होने दिया? नहीं 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 नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ। शिव पार्वती का विवाह किसी और के लिए शुभ होगा, परंतु मेरे लिए अशुभ है। शिव पार्वती का विवाह तो हो ही चुका है महाबली, अब क्या करना है इस विषय पर विचार करें। नहीं, नहीं। अब चिंता करने से क्या होगा महाबली? तो मैं क्या करूं? नृत्य गायन करूं, जप तप करूं या उछल कूद करूं? क्या करूं? ये सब करने से क्या होगा? कुछ उपाय करो असुरराज। उपाय करो। तुम ही क्यों नहीं कर लेते उपाय? करो। मैं तो केवल बता ही सकता हूँ, उपाय तो आपको ही करना होगा महाराज। तो बताओ ना फिर। शिव पार्वती का विवाह हो चुका है, पर देवी देवताओं को लौटने में समय लगेगा। यही अनुकूल और उचित समय है जब स्वर्ग पर आक्रमण करके उस पर अधिकार किया जा सकता है। हाँ। यदि अविलंब आक्रमण करोगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। सेनापति, सेना तैयार करो, हम इसी समय स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। आक्रमण हो। वीर दानव, हम नक्षत्र लोक में प्रवेश करने जा रहे हैं। स्वर्ग लोक तो क्या, तुम नक्षत्र लोक में भी प्रवेश नहीं कर सकते। कर सकता हूँ, क्या तुम मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो? शक्ति तुम्हारे पास है ही कहाँ? ब्रह्मवश तुम ब्रह्मा जी के वरदान को अपनी शक्ति समझ बैठे हो। तारकासुर की शक्ति पर प्रश्न चिन्ह कौन लगा सकता है?
अहंकार में तुम सत्य से दूर हो गए हो तारकासुर। शिव विवाह के शुभ अवसर पर लाभ उठाने की तुम्हारी कुचेष्टा कदापि सफल नहीं होगी। अरे स्वर्ग तो सुरक्षित है धृष्ट दानव, पर तुम्हारे आचरण ने तुम्हें असुरक्षित कर दिया है। तुम्हारा ये अहंकार पूर्ण हास्य तुम्हारी विपदा का कारण बन जाएगा तारकासुर। तुम देवाधिदेव महादेव से टकराने का दुस्साहस कर रहे हो। अरे देवेश्वर को ज्ञात था कि तुम देवगण के विवाह में व्यस्त होने का लाभ अवश्य उठाओगे। तुम्हारे अवरोध की व्यवस्था पूर्व निश्चित है। मेरे मार्ग में आने वाले किसी भी अवरोध से टक्कर लेने का साहस मुझ में है। निर्बुद्धि, तू तुरंत चला जा यहाँ से, अन्यथा तू पृथ्वी लोक कभी नहीं पहुंच पाएगा। चला जाऊं? जिस प्रयोजन से मैं आया हूँ उसे संपूर्ण किए बिना ही चला जाऊं? शिव पार्वती के विवाह को संपन्न करा के तुमने शिव पुत्र की उत्पत्ति को संभव बनाया है, अर्थात मेरे वध का आयोजन किया है तुमने। मैं भी तुम लोगों के विनाश का आयोजन करता हूं। वीर दानवों, टूट पड़ो इन मुट्ठी भर ऋषियों पर। तुझे स्थिर कर दिया है। देख देख अपनी सेना की विनाश लीला देख। स्थिर मंत्र से मैं मुक्त करता हूं तुझे। अपनी पराजय स्वीकार करके अपने प्राणों की रक्षा कर। जा, चला जा यहां से। तारकासुर, असुर सम्राट और पराजय? नहीं नहीं, दुष्ट, तू ऐसे नहीं मानेगा। ले ले ये देख। शिव पार्वती विवाह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। अब हमें अपने अपने लोक में लौट चलना चाहिए। देवराज, विवाह तो हो गया परंतु कुछ विधियां और औपचारिकताएं अभी शेष हैं। हाँ, हमें कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। नारायण नारायण।
नारायण नारायण। भ्रमण चक्र पूरा कराए नारद? श्री हरि, मैं जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता हूँ तब कहीं जाकर मेरा चक्र संपूर्ण होता है, परंतु आप परम पिता ब्रह्मा जी और त्रिकालदर्शी शिव जी प्रत्यक्ष न जाकर अपनी परोक्ष शक्ति से सभी कार्य बड़ी सहजता से पूर्ण कर देते हैं। प्रतीत होता है कोई नई कथा कहने की तैयारी में हो नारद। कथा नहीं परमपिता, सत्य, परम सत्य, विराट सत्य। भगवान शिवशंकर की कृपा और भक्त वत्सलता देखिए, हम सब यहाँ शिवशंकर के विवाह में सम्मिलित होने आए हैं, और वहां महातारकासुर के अत्याचार से शिवशंकर ने उपस्थित न रहकर अपनी परोक्ष शक्ति से भक्तों की रक्षा की। स्वर्ग सुरक्षित है ना देवर्षि, प्रत्यक्ष न जाकर भी भोलेनाथ अपने भक्तों की रक्षा करते हैं देवराज, फिर आप क्यों चिंतित होते हैं? स्वर्ग सुरक्षित है देवराज। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय। यहां से विदा लेने से पूर्व भोलेनाथ की आज्ञा अवश्य है। इस समय वो जन्माष्टमी में देवियों से घिरे बैठे हैं, अब देवियां छोड़ेंगी तब देंगे ना आज्ञा। भोलेनाथ आप चिंता ना करें, कुछ दिन पार्वती हमारे साथ ब्रह्मलोक में रहेगी, फिर आपके पास कैलाश पर आ जाएगी। ऐसे कैसे होगा, ब्रह्मलोक में रहने के पश्चात कुछ समय के लिए हमारे साथ वैकुंठ में भी तो रहेंगी, हम इन्हें कैलाश पहुंचा देंगे। आप तनिक भी चिंता न करें महेश्वर। आप दोनों मिलकर मुझे चिंतित करने का आयोजन भी कर रही हो और साथ साथ ये भी कह रही हो कि मैं चिंतित न हूँ, वो तो मैं अवश्य होऊंगा। सुन रही हो देवी पार्वती, कहां तो भोलेनाथ ने तुम्हारे बिना युग के युग काट लिए, और आप एक पल भी तुम्हारे बिना रहने को तैयार नहीं है। युग काटे हैं, युग युगांतर के मिलन की प्रतीक्षा में, अब तो ये मिलन विराट और व्यापक सत्य सिद्ध होगा। आप दोनों चिंता ना करें देवी। ब्रह्मदेव, एक एक करके सभी अतिथि जा रहे हैं, अब हमें भी चलने की तैयारी करनी होगी। विदा होने पर ही चलना होगा श्री हरि, हिमालयराज न जाने क्यों बारात को विदा करने में विलंब कर रहे हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कहाँ चले गए थे नारद? आपके चरण और आपकी शरण छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ प्रभु? नारद के लिए अन्य कहीं स्थान है ही कहाँ, मैं तो भगवान भोलेनाथ की लीलाएं मात्र देख रहा हूँ। ना देखा करो ये लीलाएं। क्यों प्रभु? फिर नारद लीला भी तो आरंभ करनी होगी। नारायण नारायण, वो भी आप देवगण ही आरंभ कराते हैं, मैं तो मात्र उसे मूर्त रूप देता हूँ, वो भी आपकी आज्ञा से, लोक कल्याण के निमित्त। अच्छा नारद, बारात विदा कब हो रही है? हिमालय राज तो शीघ्र बारात विदा करने के पक्ष में ही नहीं, और मैं ये विचार कर रहा हूँ कि शिव पार्वती विवाह हर्ष उल्लास से पूर्ण हो गया है, तो अब देवगणों का अपूर्ण कार्य भी पूर्ण हो जाए तो अच्छा होगा। नारायण नारायण। नारद, तुम सदा सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करते हो, स्पष्ट कहो क्या कहना चाहते हो? श्री हरि, संपूर्ण जगत जिसके संकेत पर संचालित हो रहा हो, उन्हें भला सांकेतिक भाषा समझने में कठिनाई कैसे हो सकती है? प्रभु, मेरा अभिप्राय यह है कि देवगण तारकासुर के अत्याचार से कब मुक्त होंगे? सभी कार्य यथा समय पूर्ण होते हैं नारद, ये कार्य भी समय आने पर ही पूर्ण होगा। नारद, देवराज इंद्र और देवताओं के प्रतिनिधि बनकर तुम उनके पक्ष में विचार नहीं कर रहे, क्या उन्होंने तुम्हें इसी प्रयोजन से यहाँ भेजा है? नहीं नहीं प्रभु, मैं तो अपने मन की प्रेरणा से कह रहा हूँ, ये तारकासुर के अत्याचार से देवगण की रक्षा करनी ही चाहिए। श्री हरि विष्णु जी, सृजनहार ब्रह्मा जी एवं देव ऋषि नारद, मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। हिमालय राज, सर्वप्रथम आप ये बताएं कि बारात कब विदा कर रहे हैं? उसी विषय में आप सभी से निवेदन करने आया था। इसमें निवेदन कैसा,
हिमालयराज, ये तो रीति है, विवाह के पश्चात विदाई तो होती ही है। आज का मुहूर्त शुभ है, यह कार्य आज ही संपन्न करें हिमालयराज। पर मैं तो ये निवेदन करने आया था कि शिवजी, बस अभी बराती और कुछ दिन के लिए हमारा आतिथ्य स्वीकार करने की कृपा करें। नारायण नारायण, हिमालयराज आप पुत्री मोह से मुक्त नहीं हो रहे हैं? देव ऋषि नारद, संतान के मोह से कोई पिता मुक्त नहीं हो सकता। पार्वती का विवाह शिवजी से हो चुका है पार्वतराज, अब पुत्री के प्रति अधिक मोह उचित नहीं। कन्या को तो पराया घर जाना ही होता है, अब आप शिव पार्वती को सहर्ष विदा करें। मैं भी तो यही चाहता हूँ ब्रह्मदेव। फिर बाधा कहाँ है? पार्वती की सखियों की, बस स्वयं मैना रानी की इच्छा है कि उनकी पुत्री व जमाता कुछ दिन और उनके संग उनके सम्मुख रहें। ऐसा करना मेरे अधिकार में तो नहीं है, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप इस विषय में मेरी सहायता करें। क्या निवेदन है हिमालयराज? आपके इस नम्र निवेदन में बंधन है, बिछो की वेदना है और संवेदना भी। जिस भाव भाषा और मुद्रा में आपने अपना नम्र निवेदन प्रकट किया है हिमालयराज, इस समय यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु से वैकुंठ और परमपिता ब्रह्मा जी से ब्रह्मलोक मांग लेंगे तो वो दे भी देंगे। जिस सरल सहज और सुबोध भाषा में आपने अपना निवेदन प्रकट किया है, उसे अस्वीकार करने की कठोरता भला कौन कर सकता है न प्रभु? मैंने सत्य कहा ना परमपिता? नारद, तुम अपने पिता पर भी अपनी लीला चलाने से चूकते नहीं हो। नारायण नारायण, परमपिता आप भली भांति जानते हैं कि हम सब की लीलाएं शिव लीला के अधीन है।